आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा इंजर्ड है और एक बार फिर टीम की कमान हार्दिक पांड्या ने संभाली है। टीम युवाओं से सजी हुई है, जोश से लबरेज है और कुछ अच्छा कर दिखाने को बेचैन है। टीम इंडिया भी नए साल में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। और मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से तुषार जुड़ गए हैं विशेष जानकारी के लिए। तुषार, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या जो आईपीएल में नई टीम के साथ जुड़े, वहां उन्हें टीम की कमान मिली और उन्होंने पहले ही आईपीएल में टीम को ट्रॉफी जिता दी। उसके बाद टीम इंडिया की कमान उन्हें न्यूजीलैंड में मिली, जहां रोहित शर्मा एक बार फिर इंजर्ड हुए थे और टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी। वहां भी टीम ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा किया था। अब एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं। क्या लगता है, टीम उन्हें रेगुलर कप्तान के रूप में देख रही है? राजी, ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि रोहित शर्मा के टीम में मौजूद होने के चलते ही हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमानेंट जो रेगुलर आने वाली सीरीज हैं, आने वाले मैचेस हैं, उनमें हार्दिक पांड्या को ही कप्तानी देखी जाएगी। रोहित शर्मा जल्दी से फिट होके टीम इंडिया में अगर अपनी वापसी करते हैं तो बेहद सी बात है वो कप्तानी रोहित शर्मा को ही दी जाएगी। यानी रोहित शर्मा अगर चोट से उभर कर वापस आते हैं तो फिर से टीम की कप्तानी उन्हें ही सौंपी जाएगी। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तीन ओपनिंग विकल्प हैं। ईशान किशन, जिन्होंने हाल ही में दोहरा शतक जड़कर टीम में अपनी वापसी मजबूत की थी। शुभमन गिल, जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ विजय हजारे ट्रॉफी में 3 शतक और 1 दोहरा शतक बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं। तो किन्हें मौका मिल सकता है? देखिए जी, जैसे इस टीम में ये युवा टीम है तो इसमें जहां तक है ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि वो पिछले अपने रणजी ट्रॉफी में भी काफी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। 4 शतक लगाए उसमें उन्होंने, उसमें से जिसमें से 3 शतक और 1 दोहरा शतक है। और ईशान किशन भी पिछले लंबे समय से कंटिन्यूसली अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, तो जाहिर सी बात है ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ही टीम इंडिया के ओपनर होंगे। विराट कोहली इस टीम में नहीं है तुषार, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर पे कौन बैट्समैन आएगा इसकी चर्चा होगी। संजू सैमसन, पिछले कुछ समय से जिनकी चर्चा हो रही है कि टीम आखिर क्यों उन्हें मौके नहीं दे रही है, वो एक बार फिर से 16 सदस्यीय टीम में है, तो आपको लगता है कि संजू सैमसन को 3 नंबर पर मौका दे सकती है टीम? बिल्कुल, इस बार की जो टीम इंडिया की जो 16 मेंबरों की जो टीम ने निर्देशन जारी किए गए हैं उसमें संजू सैमसन का भी नाम है। और ऐसा लगता है कि जो आज शाम को 7 बजे जो मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, उसमें चौथे नंबर पे संजू सैमसन को बिल्कुल उनकी जगह है। चौथे नंबर पे उनको खिलाया जाएगा, टीम का हिस्सा उन्हें बनाया जाएगा, यानी उनके फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। तुषार, ऋषभ पंत की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर चोट से उभर कर रिकवरी करके वो टीम में लौटते हैं तो उनकी जगह टीम में देख रहे हैं आप? क्योंकि विकेट कीपिंग विकल्प की अगर बात करें तो केएल राहुल पहले से टीम में मौजूद हैं और उनके साथ ईशान किशन भी है जिन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाया था। अब ऐसे में क्या टीम ऋषभ पंत को मौका देगी, क्योंकि बीसीसीआई ने जो वर्ल्ड कप के लिए 20 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की है उसमें ऋषभ पंत का नाम नहीं है, यानी उनका नाम गायब है। तो क्या टीम ने अभी से मान लिया है कि ऋषभ पंत अगर चोट के बाद भी वापसी करते हैं तो इतने फिट नहीं रहेंगे कि टीम में वापसी कर सके? क्या लगता है राजी, उनकी जो चोटें हैं वो अभी काफी मतलब पूरी तरह से वो सही नहीं है और जहां तक देखा जा सकता है कि उन्हें काफी लंबा पीरियड उन्हें लेना पड़ेगा अपनी चोट को रिकवर करने के लिए। तो जहां तक बीसीसीआई के अधिकारियों ने या टीम मैनेजमेंट ने जो भी निर्णय लिया है वो इसी के चलते लिया है कि शायद ऋषभ पंत को अभी थोड़ा सा आराम और दिया जाए। और ऐसा देखा भी गया है कि पिछले कुछ सालों से ऋषभ पंत कंसिस्टेंटली इंडियन टीम के लिए परफॉर्म करते आए हैं,
अभी अगर कुछ समय के लिए टीम से बाहर है तो ऐसा होना चाहिए कि बीसीसीआई को उन्हें बैक करना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीसीसीआई उन्हें बैन करेगी, क्योंकि जो उनकी चोट है वो काफी गंभीर है। उनके घुटने में पहले से चोट थी और उस चोट पे ही और चोट लगी है, जिसके कारण वो चोट और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो ऐसे में एक प्लेयर का मैदान में उतरना काफी मुश्किल की बात है। उन्हें अपनी चोट से उभरने के लिए काफी उन्हें अपनी हेल्थ पे काफी ध्यान देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुषार, बीते दिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए 20 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की। अब इसमें एक नाम जो गायब है और जिसके बारे में खुलकर चर्चा की जा रही है, वो नाम है शिखर धवन। ये वही शिखर धवन है जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और लगातार टीम के लिए परफॉर्म भी करते आए हैं। अब बीसीसीआई की बेरुखी से फैंस काफी नाराज हैं और शिखर धवन की टीम में होने की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का होना कितना जरूरी है और टीम कितना ज्यादा इसको मिस करने जा रही है? देखिए, एक्सपीरियंस की तो बात खैर करी जाए तो शिखर धवन के पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है पिछले इंडिया की टीम में, लेकिन उन्होंने काफी समय से वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परफॉर्मेंस को लेके, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज को लेके या उनके स्टेमिनास को लेके बीसीसीआई ने ये जवाब दिया है कि वो अभी टीम इंडिया में फिट नहीं बैठते, जिसके चलते उन्हें काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर रखा गया है। यानी बीसीसीआई लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है, शायद इसीलिए काफी ज्यादा युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टीम इंडिया है ये युवा टीम इंडिया, नया करने की नया दिखाने की जज्बा है, जिसी वजह से टीम इंडिया के जो मेंबर स्टाफ हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं, अधिकारी जो हैं, उन्होंने युवा पीढ़ी को ज्यादा मौका देने की वोट कही है। तुषार, उन 20 खिलाड़ियों की सूची में एक ऐसा नाम भी है जिसने सबको सरप्राइज किया है, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो फिलहाल इंजर्ड है, बीते दिन T20 वर्ल्ड कप में भी इंजरी के कारण बाहर हुए थे। अब ऐसे में बीसीसीआई ने उनके चयन को पक्का कर दिया, तो आपको लगता है कि बुमराह टीम में वापसी करके आते हैं तो टीम को फिर से वही धारदार गेंदबाजी का विकल्प वो लेकर आएंगे? बिल्कुल राजी, जो टीम इंडिया के फास्ट बॉलरों में से, मतलब टीम इंडिया के नहीं, देश में नंबर वन में फास्ट बॉलरों में से नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जो कि अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। वो अगर ऐसे में टीम इंडिया अगर उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से बाहर रखेगी, बड़े गेमों से उन्हें बाहर रखेगी, तो शायद मुश्किल है कि टीम इंडिया कहीं उस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ गलतियां छिपा रही है। तो ऐसे बड़े मैचों में, लेकिन अगर देखा जाए तो कई युवा तेज गेंदबाज भी आए हैं टीम में, हर्षल पटेल बड़ा नाम है, शार्दुल ठाकुर, ये सब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या जसप्रीत बुमराह इस टीम में जगह बनाने में सफल होंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह जब अपनी, जैसे वो काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं, अपने चोट की वजह से वो काफी लंबे समय से काफी मैचेस वो नहीं खेले हैं, जिसके कारण उनकी काफी हेल्थ इश्यूज में काफी नुकसान है, जिसके चलते वो टीम इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर वो दोबारा से स्वस्थ होते हैं, टीम इंडिया में वापसी करेंगे, तो बिल्कुल उनको टीम इंडिया में जगह मिलेगी, ऐसा बीसीसीआई अधिकारियों का कहना है, जिसकी वजह से ही उन्होंने ये जो नाम की सूची में है, उस सूची में 20 मेंबर की जो सूची बनाई है उस सूची में उनका नाम दर्ज है। तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट में। फिलहाल इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।